Jaya Jaya Makhana Chol Shri Radhe Radhe
साढ़े तीन हाथ के नहीं है, हम 15 हाथ के नहीं है,
ये आकृति शरीर की होती है। वानाग्र शतभागस्य सतधा कल्पितस्य यत् जीवः स एव विज्ञेयो सचानन्त्याय कल्पते। जीव कितना बड़ा होता है, बोले बालाग्र शतभागस्य, ये बाल का हमने ऐसे बाल लिया, उसके आगे के भाग को 100 टुकड़े किए और 100 टुकड़े के फिर 1 टुकड़े के 100 टुकड़े किए, फिर 1 टुकड़ा के 100 टुकड़े किए, फिर उसमें से 1 टुकड़ा बचा, फिर 100 टुकड़े किए, और उसमें जो 1 बचता है उतना बड़ा जीव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीव जो है ना, ये पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक सब में बैठा है, सब में विद्यमान है, उसी को बोलते हैं जीवात्मा। अब जब तक जीव को आत्मा का ज्ञान नहीं है तब तक होता जीव और आत्मा, और जब जीव को आत्मा का ज्ञान हो जाए तो और हट जाता है, फिर जीवात्मा हो जाता है, और जीवात्मा होने के बाद फिर हम मर जाए तो कोई फर्क नहीं, जिंदे रहे तो कोई फर्क नहीं। हाँ, कोई राम राम कर ले तो उसकी बला से, और कोई नहीं करे तो उसकी बला से। बोलो जय श्री कृष्ण। गुलाब की माला पहना दो तो बढ़िया, और नहीं पहनाओ तो बढ़िया है। मंच पर बिठा करके, मखमल के गद्दे पर बिठा के आरती कर दो तो बढ़िया, और 2-4 मुट्ठी बालू मुंह पे फेंक दो तो बढ़िया। क्योंकि वो आदमी समझ लेता है कि अपमान और सम्मान केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा कभी मरती थोड़ी है। आपने सुना होगा वो जा रहे थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 भाई थे। अब ये चारों ब्रह्मा के बेटे हैं, हाँ, और भगवान के सबसे पहले अवतार हैं, लेकिन वो भगवान में प्रीति करते हैं। हरिशरणम 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 ये मंत्र जपते ही रहते हैं, है ना? अच्छा, आत्मज्ञानी जो होते हैं वो बड़े बड़े अलग स्वभाव के होते हैं, ये होते नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। उनका जब मिलते हैं तो ऐसे मिलेंगे कि 1000 जन्मों से तुमको जानते हैं, और जाएंगे तो पीछे मुड़ के ही नहीं देखेंगे। ये आत्मज्ञानी का लक्षण होता है, और वो प्रणाम भी करते हैं तो मन ही मन कर लेते हैं, अब क्या करना, प्रणाम शरीर से बात खत्म। ये ऊंची स्टेज है गृहस्थ आश्रम में, व्यवहार में तो ऐसा नहीं करना बहुत गलत बात है। तो चारों जा रहे थे श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, और ये सामने से आ रहे थे शिव और पार्वती। अब शिव पार्वती को देखकर चारों भाइयों ने प्रणाम नहीं किया। हाँ, ये दुनिया तो बड़ी विचित्र है ना। भगवान शंकर और पार्वती दोनों जा रहे थे तो शिव पार्वती दोनों बैठ के नादिया के ऊपर, नादिया समझते, तो लोगों ने खिड़की में से देखा, राम 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 राम, शर्म नहीं आती, मोटे ताजे दो दो बैठ गए इस नादिया के ऊपर, तेरा भी दया नहीं है। तो शंकर जी नीचे उतर गए। पार्वती बोली क्यों? बोले लोग कुछ कह रहे हैं, मैंने सोचा अब मैं उतर जाऊं, तुम बैठी रहो। तो दो अब एक शिव जी पैदल चल रहे हैं, पार्वती ऊपर चल रही है। तो लोगों ने खिड़की में से देखा, फिर बोले देखो कैसा युग आ गया, बेचारा पति तो पैदल चल रहा है और श्रीमती जी महारानी जी वाहन पे चल रही है। शंकर जी बोले सुनो लोग कुछ कह रहे हैं, तुम नीचे उतरो। पार्वती जी को नीचे उतारा, शिव जी ऊपर बैठ गए। लोगों ने फिर कहना शुरू किया, ये हट्टा कट्ठा बाबा वाहन पे चल रहा है और बिचारी दुबली पतली सी पत्नी देखो वो पैदल निकले नंगे पैरों। शंकर जी का सुनो अब मैं भी उतर जाता हूँ, लोग कुछ कह रहे हैं। अब दोनों उतर के पैदल चल रहे, अब वाहन चल रहा है खाली और शिव पार्वती चल रहे पैदल। लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया, बुद्धि तो है ही नहीं, वाहन पास में होते हुए भी पैदल चल रहे। अरे भाई नादिया बैठने को है तो उसको बैठना चाहिए। शिव जी बोले बड़ी समस्या है। तो फिर दोनों बैठ गए उसके ऊपर।
लोगों ने कहा जरा भी दया तो है ही नहीं, करुणा तो है ही नहीं उस पर। देखो दो दो बैठ गए, शंकर जी उतर के ना दिया उठा के सिर पे रख लिया। फिर भी लोगों ने कहा सबूर नहीं है, दुनिया वाहन पर बैठती है, ये वाहन को सिर पे लेके चल रहे। शिव जी बोले तो मर जाए क्या, जीने दोगे कि नहीं? ये संसार बहुत विचित्र। इसलिए जो आत्मज्ञानी होते हैं मन ही मन प्रणाम करते हैं, ये अपेक्षा नहीं रखते कि हमारा कोई अभिनंदन करे, हमारा कोई अभिवादन करे, हमें कोई प्रणाम करे, हमें कोई कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो और ठीक है। भगवान शंकर और पार्वती दोनों सामने से निकले, इन चारों सनत कुमारों ने उनको देख के प्रणाम नहीं किया। शिव जी तो बड़े भोले, प्रणाम कर लो तो बढ़िया और नहीं कर लो तो और बढ़िया। लेकिन अम्मा जी को ठीक नहीं लगा। माता पार्वती बोली शर्म नहीं आती है, पांच पांच वर्ष के छोकरे देखने में लगते हैं पांच वर्ष की उम्र है 50,000 वर्ष की, ये पांच पांच वर्ष के छोकरे इनको जरा भी शहूर नहीं है, हैं? देखो तो सही। अरे हम जगत की माता या जगत के पिता और जरा भी सिर नहीं झुकाया, प्रणाम नहीं करी, ऊंट की तरह मुंह करके जा रहे हैं, मैं शाप देती हूं ये चारों ऊंट हो जाए। अम्मा जी ने शाप दे दिया, ऊंट बनने का शाप दिया, तो बेचारे चारों ऊंट बन गए। अब ऊंट तो नीम के पत्ते खाता, देखा आपने ऊंट नीम के पत्ते खाता, बेचारे क्या करें। एक भाई ऊंट बन के कथा सुना रहा है, तीन भाई ऊंट बन के कथा सुन रहे, क्योंकि उनका जीवन ही कथा, ये चस्का लग जाता है कथा का, और जिसको लग जाए उसको छूटता और नहीं है, ये ध्यान रखना, लगता बड़ी मुश्किल से, लग गया तो छूटेगा नहीं। शंकर जी ने घर जाते ही पार्वती से कहा देखो माफ करना, तुम कभी कभी बिना सोचे विचारे बात कर जाती हो। पार्वती बोली क्या? अरे जिनको तुमने ऊंट बनने का शाप दिया, मैं इशारा कर रहा था ऐसा मत करो, और तुमने ऊंट बनने का शाप दे दिया, तुम्हें मालूम है वे कौन? अरे कौन है? अरे कौन क्या है, ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र हैं सनत कुमार, देखने में छोटे लगते हैं। जब इनका जन्म हुआ था तो ब्रह्मा जी ने कहा बड़े हो जाओ शादी करो, तो चारों बोले हमको शादी वादी नहीं करनी। ब्रह्मा बोले बड़े हो गए तो शादी करनी पड़ेगी, तो चारों ने कह दिया हम 5 से 5.25 के कभी होंगे ही नहीं, हम 5 से ऊपर कभी जाएंगे ही नहीं, आयु पर स्टॉप लगा रखा है। इतने बड़े महापुरुषों को तुमने शाप दे दिया, उम्र में हमसे भी बड़े हैं। पार्वती जी बोली तो मेरे को क्या मालूम था कि हमारे जेठ जी लगते हैं, मैंने तो बच्चे समझा सो बोल दिया, चलो माफी मांग के आते हैं। सो माता जी को साथ में लेकर के भोले बाबा माफी मांगने गए, I'm sorry। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कनाडा में हम पिछले 1 महीना से हैं, कनाडा अमेरिका में, तो उसका कुछ तो असर आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। I'm sorry भी नहीं बोल सकते क्या, इतनी अंग्रेजी आती है हमको, इसके आगे आती भी नहीं है। तो शंकर जी ने देखा कि एक भाई ऊंट बन के कथा सुना रहे हैं और तीन भाई ऊंट बन के कथा सुन रहे। शिव ने कहा देखा पार्वती जी से, देखो ऊंट बनने के बाद भी कथा नहीं छूटी, कथा चल रही है। एक बात है, हमको बड़ा भारी दुख है संत कुमार जी, बड़ा भारी हमको कष्ट है, ये पार्वती जी ने बिना सोचे बेचारे आपको ऊंट बनने का श्राप दे दिया, हमको इसका बहुत कष्ट है भाई जी। शरद कुमार बोल नहीं ठीक है कोई बात नहीं है। वो नहीं नहीं आपको ऊंट बनकर के बड़ी तकलीफ सहनी पड़ रही होगी। तो संत कुमार बोल नहीं नहीं इस तकलीफ वकलीफ कुछ नहीं है, ये ऊंट के शरीर में तो बड़े मजे हैं। शिव जी बोले मजे कैसे जी? तो बोले वो मनुष्य के शरीर में नहाने का चक्कर और था, या बिना नहाए भी कथा हो जाती है। बोलो जैसे इधर नहाना भी नहीं पड़ता, बिना नहाए भी कथा हो सकती है। बोले वो कैसे?
बोले कोट ही तो पहनना है, कभी सूती कोट तो कभी ऊनी कोट, समझ में आ रहा है ना? अरे भाई मनुष्य का शरीर जो है ये जरा रेमंड सूटिंग का कोट है, ये महंगे वाला है, और पशु का शरीर जो है ये खादी का कुर्ता है गांधी जी वाला। आत्मा केवल वस्त्र ही तो पहनती है। गीता में गोविंद कहते हैं के वासांस जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृहणाति नरो पराणि। अब देखो मैंने कल व्हाइट कलर की पहनी थी ना बगलबंदी, आज दूसरी पहन ली है, दोनों ही सूती, कलर बदल गया। तो बगलबंदी क्यों बदलने से मैं बदल गया क्या? ऐसे आत्मा को जब पता चलता है कि शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो गया, एक वस्त्र को हटा के वो दूसरा वस्त्र पहन लेती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मार्ग। तो आत्मा जो है वो बड़ी शाश्वत है। और शिव जी के देखते देखते चारों भाइयों ने ऊंट का शरीर छोड़ दिया और फिर मानव बन गए, मनुष्य बन गए। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, मैं सुन सुन आवत हासी। इसलिए चिंतन करना, मैं आत्मरूप हूं और मैं परमात्मा का प्रतिबिंब हूं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तेरी आंखों में वही दिलदार है, वही दिलदार है जिस पे सहताए कभी मुरली बजाई मधुर तान से।
Bye.
से जिसको प्यार है उसको प्यार है, जिस पर से संसार है, मेरी आंखों में वही दिलदार है, वही दिलदार है, जिस पर से संसार है, जिस पर से रूपों में वही परमात्मा विद्यमान है, हम उनके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई और बंध्यो गीर मरकट की नाई। भाई हम जब ईश्वर के अंश हैं तो गड़बड़ी कहां हो गई? फिर जुकाम होने से हमें तकलीफ क्यों होती है? अरे साहब पड़ोसी ने हमसे ये बोल दिया तो हम टेंशन में आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? अच्छा हमसे छोटा रेस्पेक्ट करना भी नहीं जानता, हमको देखा प्रणाम भी नहीं किया, ये क्यों मन में आता है? आत्मज्ञानी के मन में ये सब नहीं आना चाहिए। कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं किया तो डबल बढ़िया, ये भाव रहना चाहिए। क्योंकि हम माया के बस में हो गए, सो माया बस भयो गोसाई, और माया के बस में होकर के बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर समझते हो किसको बोलते हैं? कीर बोलते हैं तोते को, कीर माने तोता और मरकट माने मंकी, मंकी माने बंदर। बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो ये लोग तोता पकड़ते हैं ना पिंजरे में, जो तोता पकड़ के डालते हैं वो लोग क्या करते हैं मालूम है? एक खम्भे से दूसरे खम्भे तक प्लास्टिक की रस्सी डाल देते हैं, प्लास्टिक की चिकनी रस्सी होती है, और चिकनी रस्सी में लोहे का पाइप डाल देते हैं, तो पाइप ऐसे घुमाओ तो रस्सी पर घूमता रहता है, और उस पाइप के ऊपर फिर कोई खाने की चीज चिपका देते हैं, कोई चॉकलेट चिपका दी या कोई मीठी चीज चिपका दी। अब तोता उड़ता हुआ जाता है, कहता है कुछ खाने की चीज है, तोता आते उस पाइप के ऊपर बैठता है। अब पाइप तो प्लास्टिक की रस्सी में है ना, सो पाइप ऐसे घूम जाता है, और ऐसे घूमते ही तोता नीचे लटक गए। अब दूसरा तोता जो उधर से निकल रहा था उसने अपनी बिरादरी को लटके हुए देखा तो पूछता है, नहीं प्रॉब्लम? बोलो जय श्री कृष्ण, क्या तकलीफ है भाई? अरे तू लटका हुआ क्यों, उड़ता क्यों नहीं, उड़ो ना। तो वो तोता क्या कहता मालूम है? नहीं मैं उड़ तो जाता पर इस पाइप ने मेरे को पकड़ रखा है, अब ये पाइप मुझे छोड़े तो मैं उड़ू। अब बताओ ये ना समझी है कि नहीं? पकड़ा है स्वयं ने और कहता पाइप ने मुझे पकड़ लिया, ये पाइप छोड़े तो मैं उड़ने का प्रयास करूं। अरे यही हालत हम लोगों की हो गई है, बिल्कुल यही परिस्थिति हम लोगों की हुई है सज्जनों। सो माया बस भजन गुसाई, हम माया के बंधन में बंध गए। पर माया का बंधन है क्या? बोलो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। माया का बंधन कुछ होता ही नहीं, खामा ही खा बंध रहे हैं हम। कैसे? एक धोबी था, और धोबी आपने देखा भारत में धोबी गधे के ऊपर कपड़े लाद के ले जाते हैं, और गांव से बाहर नदी के किनारे जाके कपड़े उतार के नदी में कूट कूट करके धोते हैं, और गधा वहीं पे खड़ा रहता है, फिर उन कपड़ों को खेत में सुखा देते हैं और फिर उनको घड़ी करके गधे की पीठ पे लाद के ले आते शाम को। ये धोबी का काम होता है। अब ये कपड़ा धोने में लगा था तो गधा पड़ोसियों के खेतों को खा रहा था। एक ने आके कहा, तुझे शर्म नहीं आती? तू कपड़े धोने में लगा, तेरा गधा हमारे खेत को खा रहा है। धोबी ने कहा, तो बड़ी समस्या हो गई है, गधे को बांधू कैसे, रस्सी तो लाया नहीं। अब बेचारा गधे का कान पकड़ के बैठते हैं, कपड़े धो तो ये खेत खाता है, क्या कर, और नहीं धो तो
मेरा धंधा चौपट होता। महात्मा जी उधर से निकले, बोले क्या तकलीफ है बच्चा? बोले गधा इसका महाराज बड़ी समस्या हो गई। महात्मा बोले गधे को बांध दो, बुद्धि से काम लोगे तो बन जाए। बोले कैसे बांधो, रस्सी तो है नहीं। बोले मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे कर दो। अब धोबी गधे का कान पकड़ के लाया। गधे को हमेशा पैर में बांधा जाता है, पता आपको? तो गधे को वृक्ष के पास लाके उसका एक पैर वृक्ष के पास किया धोबी ने, और तीन चार बार अपने हाथ को ऐसे घुमा दिया। महात्मा जी बता गए थे, तो गधे को लगा मुझे बांध दिया, उसको लग गया मैं बंध गया। और वो आराम से धोबी कपड़े धोते आ रहा, और श्रीमान गधा जी खड़े रहे 8 घंटे, हिले ही नहीं वहां से। और ये तो बड़ा अच्छा तरीका, कपड़े धो दिए, कपड़े सूख गए, घड़ी बना के गधे पर रख दिए। अब उसको चलने को कहे तो गधा चलता ही नहीं, क्योंकि मैं तो बंधा हुआ हूं, चलूं कैसे? महात्मा लौटे तो धोबी ने कहा बाबा ये तो चलता ही नहीं। महात्मा बोले थे जैसे बांधा था वैसे खोल देना। धोबी ने जूते को अपना उल्टा हाथ नीचे पैर पे घुमाए, सो गधा जी चल दिए। बोलो जय श्री कृष्ण, एकदम चल दिए। बिल्कुल यही बंधन हमारा है, माया का बंधन मीन्स कुछ नहीं, और माया का बंधन मीन्स सब कुछ। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो बंधो कीच मरकट की नाई, कीर माने तोता और मरकट माने बंदर। बंदर की कथा मालूम है? एक मिट्टी के घड़े में चने भरे हुए थे, चटपटे चनों को देख करके बंदर ने ऐसे हाथ किया, घड़े का मुंह छोटा है, ऐसे हाथ करके और पूरे चनों को ऐसे ले लिए। अब हाथ मोटा हो गया ना, निकालने लगा तो हाथ फंस गया, अब नहीं निकलता। दूसरा बंदर आके पूछता क्या तकलीफ है तुझे? अरे हाथ निकालना, चल मेरे संग। पर निकालू कैसे, घड़े में भूत बैठा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब भूत हाथ छोड़े तो हाथ निकल है कुछ नहीं, खामा ही का भूत बैठा। यही माया का बंधन है सज्जनों। जड़ भरत ने रघुगण को बताया माया होती कुछ नहीं, कुछ नहीं है माया, लेकिन माया सब कुछ है। ये बंधन नहीं छूटता है। अब भारत में हम कभी कभी कथा करते हैं ना, गांवों में शहरों में, हाँ, तो जिस परिवार में हम लोग रुकते हैं वहां प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है। तो कई बार बुजुर्गों को देखकर मैं बोल देता हूं वृंदावन आए कि नहीं, आया करो, साल में 2-4 बार वृंदावन आना चाहिए। अरे बच्चे सब संभाल रहे हैं, सब अपना काम चल रहा है, आप थोड़े भगवान में नेह लगाओ। तो वो बुजुर्ग क्या कहते हैं मालूम है? कैसे आए महाराज वृंदावन, कैसे आए? हमको माया ने पकड़ रखा है, ये माया नहीं छूटती ठाकुर जी, ये माया छूटे तो आए। पंजाब में ठाकुर जी को ठाकुर जी बोलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज ये ठाकुर जी माया नहीं छूटती है। मैंने कहा माया है क्या, भूत है कि प्रेत है, काली है कि गोरी है, क्या है? हमारे मन का बहम है माया, माया कुछ नहीं है। इसलिए प्रेम को दिल में जागृत करो, प्रेम को दिल में बसाओ, और मनमोहन के चरणों में मन को लगाओ। प्रेम नगर की डगर है, कठिन रे बटोई न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। यह तन है टूटी नवरिया रे प्राणी, नवरिया माने नाव। ये तन है टूटी नवरिया रे प्राणी, इसमें भरने न पावे ये पापों का पानी। नादान केवट सहर के चलो मीत माया, भ्रमर ने तू घेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। हमारे पास में एक कोहिनूर हीरा है, और उस हीरे का नाम है मन। मन का रतन रख जतन से अनारी, मन का रतन रख जतन से अनारी, यहाँ आग चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी थकेरे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा। समुद्र का हवारंग लगी है दिखाने,
इसका मर्म जान ले रे दीवाने, देश वीराना है भोले पथिक ले समझ मित्र है कौन तेरा। बादल विपत की अंधेरी है रातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें, लखो श्याम पुतली में उसकी झलक, मित्र हो जाए पल में सवेरा। तो मन को सब जगह से हटाओ और गोपाल में लगाओ, इससे बढ़कर के मुक्ति का कोई साधन नहीं है। मैं परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा हूं और उसकी प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है, यही समझ लो। पर हम समझते कहां है। जड़ भरत कहते हैं रघुगण, एक व्यक्ति अपने घर से निकला, तारीख बदलते रहते हैं, भगति भजन किया करो, कर लेंगे महाराज, चार बेटे हैं मेरे, तीन की शादी कर ली, ये छोटे वाला रह गया, इसकी शादी और हो जाए, वृंदावन में छोटा सा मकान ले लेंगे, उधर ही भजन करेंगे। हमारे घर में ममता नहीं है, बिल्कुल कोई ममता नहीं है, कोई किसी का नहीं है महाराज। बताने वाले व्यास जी को ही उपदेश देने लग जाते हैं, बेटे की शादी हो। संत फिर उधर से निकले, ये संत भी जिसके पीछे पड़ते हैं पड़ ही जाते हैं, क्या भगत जी चौथे वाले बच्चे की हो गई शादी, क्या सोचा वृंदावन जाया करो, चले जाएंगे महाराज, अब सोचा एक पोते का मुंह देख लें, एक पोता हो जाए, इसके बच्चे का भी मुंह देख लें, चले जाएंगे, पोता हो गया। महात्मा फिर उधर से निकले, बधाई हो पोता हो गया, क्या सोचा माला जपना शुरू किया कि नहीं अभी, महाराज वो पोता तो अभी बोलता ही नहीं, थोड़ा बाबा बाबा सुन ले उसकी तोतली वाणी में, भजन ही तो करना, हमारी कोई ममता नहीं किसी में, भजन ही तो करना। अब पोता बाबा कहने लग गए, अरे भगत जी अब क्या सोचा है, बोले महाराज अब हमने सोचा है कि पोते की शादी और देख लें, कब कब जीवन मिलेगा। महात्मा बोले तू यहीं पड़ा रहे कीचड़ में, तू कभी नहीं जाएगा। करिष्यामि 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 चिंतयेत, मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। मैं करूंगा 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 करते करते मैं मरूंगा, ये बात जीव भूल जाता है। इसने दो ही बातन को याद रख, जो चह निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मरना सबको है, जाना है, याद रखो और भगवान का हमेशा स्मरण रखो, जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंददायी बन जाएगा। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। Peace.
भाष्य हो जाए।
क्लेश से जीवन सुधर गया। बाबा तभी का स्पष्टीकरण किया, मर्द गुणों की उत्पत्ति गुरु प्रज्ञा का परिणाम अजामिल उपाख्यान। नृसिंह भगवान का चरित्र सुनाकर मन की शंका का निवारण किया। वामन अवतार के माध्यम से समर्पण की पराकाष्ठा बताई और का 24 अवतारों में सबसे श्रेष्ठ दो ही तो है, राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नेत्रों में गंभीरता है, कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। जब राम कृष्ण की संपूर्ण बातें बता दी तो परीक्षित ने चंद्रवंश सुना और चंद्रवंश की पूरी व्याख्या की अच्छी तरह से सुखदेव स्वामी ने। मैं तुम्हें चंद्रवंश कहता हूं परीक्षित, जिसमें मेरे माधव का प्राकट्य हुआ। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए और अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए, चंद्रमा के पुत्र बुध हुए और बुध के बेटा पूर्णरवा हुए। इस वंश में राजा नहुष हुए। नहुष महाराज के बेटे 6 हुए, यति, जजाति, संजाति, आयति, वियति और कृति। उसमें राजा जजाति की 2 पत्नियां थीं, एक राजकुमारी शर्मिष्ठा और एक ब्राह्मण की बेटी देवयानी। देवयानी जो है ना, उन्हें देवयानी के गर्भ से बालक यदु ने जन्म लिया और उन्हीं यदु के वंश में कृष्ण प्रकट हुए, इसलिए उनको यदुवंशी कहते हैं। परीक्षित ने कहा, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। हमारे शास्त्रों में अनुलोम पद्धति के विवाहों की अनुमति है, लेकिन प्रतिलोम पद्धति के विवाहों की अनुमति नहीं है। ये अनुलोम और प्रतिलोम क्या है? देखो, ऊपर से नीचे तो विवाह कर सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं कर सकते। ब्राह्मण का बेटा यदि चाहे तो वो क्षत्रिय की कन्या से शादी कर सकता था, क्षत्रिय का बेटा यदि चाहे तो वैश्य की बेटी से शादी कर सकता था, लेकिन वैश्य का बेटा ऊपर क्षत्रिय की कन्या से और क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण की कन्या से शादी नहीं कर सकता। तो ऊपर से नीचे की ओर विवाह करना यह है अनुलोम विवाह, पर नीचे से ऊपर की ओर करना यह है प्रतिलोम विवाह। उसकी अनुमति शास्त्र नहीं देता। कलयुग में तो स्टॉप लगा दिया था, क्यों? कलयुग में उनको लगा कि स्टॉप लगाने पर भी नाक में दम कर रखा है, तो यदि खुला छोड़ देंगे फिर तो पूछो ही मत, बोलो जय श्री कृष्ण। तो राजा जजाति है क्षत्रिय कुमार और देवयानी है ब्राह्मण की बेटी, शुक्राचार्य की बेटी। तो देवयानी की शादी क्षत्रिय कुमार से कैसे हो सकती है? ना, क्षत्रिय की बेटी का विवाह ब्राह्मण से हो सकता था, लेकिन ब्राह्मण की बेटी की शादी क्षत्रिय से नहीं हो सकती। ये क्यों हुआ? सतयुग त्रेता द्वापर तक ये नियम था। सुखदेव जी ने कहा, चलो मैं तुम्हें 2 मिनट में ये बात स्पष्ट कर दूं। दैत्यों के गुरु हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, और दैत्यों के राजा हैं बृहस्पर्वा। तो बृहस्पर्वा की बेटी का नाम है शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की बेटी का नाम है देवयानी। दोनों सहेली हो गई, एक गुरु की बेटी एक राजा की बेटी। लेकिन गुरु की बेटी के मन में थोड़ा गुरूर था कि मैं गुरु की बेटी हूं,
हमारे पिताजी को सब पैर छूते हैं, हमारे भी पैर छूते हैं, हम ये हैं वो हैं। अहंकार मत करो, उसको अहंकार था। तो राजकुमारी शर्मिष्ठा और वो दोनों एक जन ऐसे खेलते खेलते वन में चले गए। तो वन में उसको बोलते हैं वन विहार, हिंदी में संस्कृत में वन विहार बोलते हैं, अंग्रेजी में पिकनिक बोलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। पिकनिक मनाने गए तो वहां वो क्या है कि यहाँ कुछ बना के ले गए थे भोजन, तो वहां थोड़ा गर्म बर्म कर रहे हैं, तब तक वो नहाने गए। अब दोनों ने सरोवर में स्नान किया, सरोवर की बगल में कोई कुआ था। अब दोनों राजकुमारी और ब्राह्मण की बेटी दोनों नहा रही थी, भगवान शंकर और पार्वती उधर से निकले। शिव पार्वती को देखते हैं झटपट, अरे अरे भगवान शिव जी आ रहे हैं। तो राजकुमारी शर्मिष्ठा ने क्या किया, जल्दी जल्दी बाहर निकली और गुरु की बेटी देवयानी के कपड़े पहन लिए। कोई खास बात नहीं है। और शिव को हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, देखा नहीं था बाबा माफ कर देना, खुश रहो बेटे खुश रहो, चले गए। देवयानी निकली सरोवर में से और निकलकर बोली राजकुमारी शर्मिष्ठा से, मेरे कपड़े क्यों पहने सर? अरे अच्छा गलती हो गई, वो शंकर जी निकल रहे थे, जल्दी में ध्यान नहीं रहा और मैंने पहन लिए, अब हम दोनों सहेली तो हैं, तू मेरे कपड़े पहन ले। देवयानी का सुनो, सहेली की जगह सहेली रहोगी समझे? हाँ, हम गुरु की बेटी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम तिलकधारी, हम मालाधारी, हम ये धारी, हम वो धारी, हम ये धारी, और तुम, हम नंबर एक पे आते हैं, तुम नंबर दो पे आते। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने क्या क्या बोल गए? हम गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों ने चरण गुरु, तूने मेरे कपड़े पहने तो पहने कैसे? राजकुमारी पहले तो सुनती रही उसकी बात, पर क्षत्रिय लोगों में भी तैस आ जाता है फिर। तो राजकुमारी शर्मिष्ठा बोली, चल चल भिकमंगा की बेटी, बड़ी आई गुरु की बेटी, अरे हम लोग थोड़ा दया व्या करके दान वान दे देते हैं तो तेरे घर में चूल्हा जलता नहीं, भूखे बैठे रहो, हम लोग दान देना बंद कर दे तो तुम्हारे यहाँ चूल्हा ही नहीं जले। अरे बापरे, ऐसी बोल गई। और बोली नहीं, उसने तेस में आके देवयानी को कुआं में धक्का दे दिया। ये तो भगवान की कृपा थी, कुआं में पानी नहीं था। अब बेचारी अर्धनग्न अवस्था में वो तो कुएं में पड़ी और चली गई। बड़ी आई गुरु की बेटी, कोई दूसरा गुरु बना लेंगे हम तो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उधर से निकल के जा रहे थे राजा जजाति। जजाति ने देखा कुएं में से कोई आवाज आ रही है, क्या कोई रो रहा है? तो राजा जजाति कुएं के पास में आए और आकर के देखा, अरे और अपना वस्त्र कुआं में डाल दिया। देवी आप इस वस्त्र को पहन लो। देवयानी ने वस्त्र ढक लिए, अंग ढक लिया। फिर राजा ने अपना उत्तरीय वस्त्र लेकर नीचे लटकाया, इसको पकड़ो, और उसको पकड़ करके खींचा। और जब पास में आ गई तो हाथ से हाथ पकड़ के खींचते कि नहीं, किसने किया ऐसा? देवी कौन है आप? ये कुएं में कौन डाल दिया आपको? मुझे बताइए, मैं उसको दंड दूंगा। देवयानी बोली, कुआं में कौन डाल गया ये बात में पूछना, मेरी तो शादी हो गई। राजा बोले, कैसे? बोले पानी ग्रहण हो गया ना, आपने मेरा पानी माने हाथ पकड़ लिया, ये तो पानी ग्रहण है। राजा बोले, हमने तो आपको कुएं से निकाला, देखो ये तो कोई बात नहीं है, और ये क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। मैं शुक्राचार्य की बेटी देवयानी। राजा ने कहा, ना ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, आप तो ब्राह्मण की बेटी हैं, और देखो ब्राह्मण जो होते हैं वो तो गुरु हैं, हम तो क्षत्रिय राजकुमार हैं, पर हमारे घर में ब्राह्मण की कोई छोटी सी कन्या भी आ जाए तो हम उसके चरण स्पर्श करते हैं। आपने सोच कैसे लिया कि हम शादी कर लेंगे आपसे? ना ना ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप किसी सुंदर ब्राह्मण कुमार से शादी करिए,
हम तो आपको प्रणाम करते हैं, हमने तो आपको निकाला परोपकार की भावना। देवयानी बोली देखो शादी तो मेरी क्षत्रिय से ही होगी, क्योंकि न ब्राह्मणों में भवता हस्तग्राही हो महाभुज कचस्य वारस्पत्यस्य शापात यम शपम पुरा। दुनिया का कोई भी ब्राह्मण कुमार मुझसे शादी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि बृहस्पति के पुत्र कच ने मुझे शाप दे रखा। एक बात बताऊं, ये गुरु लोग जो होते हैं उनमें भी आपस में ईगो प्रॉब्लम रहती है। एक गुरु दूसरे गुरु के यहां सीखने नहीं जाता, टीवी में चुपचाप देख लेंगे, अपने चेले को भेजकर पूछ लेंगे क्या बोल रहे हैं, सुन के आओ, रिकॉर्ड करके लाना, घर पे आके सीख लेंगे, पर वहां जाकर नहीं सुन सकते क्योंकि हम भी गुरु। ऐसे देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, ये दोनों ऋषि हैं। और मैंने कई कथाओं में बताया है जो रिसर्च करे वो ऋषि होता है, जो नई नई खोज करे वो ऋषि। कभी शुक्राचार्य नई खोज करते हैं, कभी बृहस्पति नई खोज करते हैं। तो आजकल बृहस्पति जी पर तो अच्छी अच्छी चीजें हैं, शुक्राचार्य ने एक नई खोज की है मृत संजीवनी, मरे हुए आदमी को जिंदा करना, और ये विद्या बृहस्पति पे नहीं आती। बृहस्पति ने सोचा कि भाई ये तो जैसे पहले रूस और अमेरिका में होड़ रहती थी ना, अमेरिका ने कोई नई खोज करी तो रूस करता था खोज, फिर रूस कोई करता तो अमेरिका करता खोज, इन दोनों के आपस के विवाद में और देश तमाशा देखते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आजकल चाइना और अमेरिका में ऐसे ही चल रहा है धीरे धीरे, वो नई खोज तो वो नई खोज, भारत आनंद लेता है दोनों को देख देख के हंसता है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? भारत में अध्यात्म ज्यादा। तो बृहस्पति ने देखा कि भाई शुक्राचार्य के पास में तो बड़ी भारी विद्या है, पर ऐसी विद्या उसको आती है जो मुझे नहीं आती, मरे हुए को जिंदा करना। लेकिन मैं देवताओं का गुरु हूं और शुक्राचार्य के पास जाकर के उसके चरणों में बैठकर उससे कंठी बंधवा के विद्या सीखूं, नंबर दो पे आ जाऊंगा मैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। अच्छा, अपने बेटे को यदि भेज दूं, बेटा उससे सीख कर आ जाए तो बेटे से मैं सीख लूंगा। उन्होंने अपने बेटे का नाम था कच्छ, और बेटे कच्छ को कहा बेटा अब तुम जल्दी जाओ, और शुक्राचार्य के चरणों में बैठकर बहुत सम्मान करना, बहुत आदर करना, वो तेरे गुरु समान है, पिता समान है, और मृत संजीवनी विद्या उनसे सीख करके आना, तुमसे फिर हम सीखेंगे। वो गए। दैत्यों के गुरु के पास में कच्छ पहुंचा तो देवताओं के बच्चे सुंदर होते हैं, उसको देखकर सबने कहा ये कहां से आया है, कौन है, क्या है? शुक्राचार्य बोले आओ बेटा हम तुमको दीक्षा देते हैं, मुझे मालूम है तुम बृहस्पति के पुत्र हो, और सीधी बात यह है कि हम में और तुम्हारे पिताजी में थोड़ा प्रॉब्लम चलता रहता है, ये हम बुजुर्गों की आपस की बात है, तुम तो मेरे लिए भी पुत्र हो, महानता तो होती थी न मन में। देवयानी ने पूछा पिताजी नया शिष्य जो आया है गोरा गोरा ये कौन है? शुक्राचार्य बोले देव गुरु बृहस्पति का बेटा है, और मृत संजीवनी विद्या हमसे पढ़ने आए बेटी, जरूर सिखाऊंगा इसको, अरे इसके पिता में और हमें अनुमन रहती है, रहने दो, बच्चे तो सब एक है, हमारी अनुमन से बच्चों की अनुमन क्यों? देवयानी बोली तो मेरी बात सुनेंगे आप? बोले कहो कि मेरी शादी इसी से करानी, ये बहुत सुंदर है, मैं शादी करूंगी इससे। शुक्राचार्य बोले अभी विद्या तो पढ़ लेते, देवी बाद में बात करेंगे, दैत्यों की बेटी है ना, दैत्यों के यहाँ खुला चलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो बातें खुले ही बोल देते हैं। मुहूर्त निकला विद्या आरंभ करने का 15 दिन बाद कर, बोले 15 दिन बाद मृत संजीवनी विद्या हम तुम्हें सिखाएंगे। दैत्यों ने कहा ये गोरा गोरा जो आया बृहस्पति का बेटा है, अच्छा
देवताओं के गुरु का बेटा हमारे घर की विद्या सीख कर जाएगा, देवताओं के घर जाके पहुंचाएगा। इन दैत्यों ने बातों ही बातों में कच्छ को जंगल में ले जा करके मार दिया। देवियां ने बोली, पिताजी आपका वो नया चेहरा नहीं दिखता। बोले, बेटी इन दुष्टों ने उसको मार दिया। मैं बृहस्पति से माफी मांग लूंगा, क्या करूं, लेकिन मैं तो कच्छ के बिना नहीं रह सकती, मुझे कच्छ चाहिए। शुक्राचार्य ने अपनी विद्या के प्रताप से मरे हुए कच्छ को जिंदा कर दिया। देखो आश्चर्य। अब 10 दिन रह गए विद्या शुरू करने में। दैत्यों ने सोचा, गुरु जी ने तो उसको जिंदा कर दिया, ये तो मरता ही नहीं है। इस बार दैत्यों ने कच्छ को फिर मार दिया, मार करके जलाकर उसकी राख जंगल में फेंक दी। देवयानी बोली, मैं कच्छ के बिना नहीं रह सकती पिताश्री। शुक्राचार्य ने समाधि लगा करके देखी और कहा, बेटी इन दुष्टों ने उसको मार दिया और जला दिया। नहीं पिताजी, मुझे कच्छ चाहिए। शुक्राचार्य वन में गए और जहां राख पड़ी थी ना, वह मंत्र पढ़ के जल छींटा और राख में से कच्छ को जिंदा कर दिया। अब केवल 5 दिन बाकी है विद्या आरंभ करने के। दैत्यों ने सोचा, 5 दिन बाद शुरू हो गई विद्या और हाथ में कलावा बन गया, फिर कुछ नहीं हो सकता। इस बार दैत्यों ने बहाना बनाकर कच्छ को मार दिया, मार करके जला दिया और उसकी राख को कपड़े से छान करके और उस कपड़े से निकली राख को भांग में मिला करके गुरुजी को ही पिला दिया। दैत्यों के गुरु थे ना, तो भांग भांग पी लेते थे कभी कभी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उन्होंने कहा कि कच्छ कहाँ है। देवयानी बोली, आप दिख ही नहीं रहे। शुक्राचार्य बोले, बेटी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, इन दुष्टों ने उसको मार दिया, जला दिया, राख को छान करके और भांग में मिला के मुझे पिला दिया। मैं शाप देता हूं कि कोई भी ब्राह्मण यदि शराब का, भांग का, इन मादक चीजों का सेवन करेगा तो वेद के मंत्र उसका साथ नहीं देंगे। शुक्राचार्य ने साथ दिया है, इसने ब्राह्मण को यह सब पीना मना है। देवयानी बोली, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो कच्छ चाहिए। तो देखो शुक्राचार्य ने अपनी विद्या के प्रताप से अपने पेट में कच्छ को जिंदा कर दिया। छोटा सा कच्छ उनके पेट में है। हाँ बेटा, अब ठीक हो तुम? बोलो जी, ऐसा है, अब तुम मेरे उदर में बैठे बैठे आज तुम्हारी विद्या शुरू करने का टाइम है, अब पढ़ो। कच्छ ने उनके उदर में बैठकर सारी विद्या सीखी। शुक्राचार्य ने कहा, विद्या तुमने सीख ली? बोले, हाँ जी। अब मेरा पेट चीर के तुम बाहर आ जाओ, लेकिन ध्यान रखना, मेरा पेट चीर के बाहर निकलोगे तो मैं मर जाऊंगा। जो विद्या तुमने सीखी है उस विद्या से फिर मुझे जिंदा कर देना। और कच्छ ने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। प्रणाम करके रोते हुए बोले, आपने बहुत बड़ी कृपा करके मुझे विद्या पढ़ाई, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। शुक्राचार्य ने कहा, बेटे अपने पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और कहना ये मेरी एक नई खोज है जो मैंने तुमको सिखाई है। देवयानी ने कच्छ का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैंने तो तुमसे शादी करनी है। कच्छ बोले, क्या बोलती है बहन जी यार, मैं बृहस्पति का पुत्र हूं, देवताओं का पुत्र हूं और आप मेरे गुरु की बेटी हैं, पर आप जानती नहीं हैं कि गुरु की बेटी तो अपनी खास बहन से भी ज्यादा पूजनीय होती है। ये कैसे हो सकता है, मैं ये पाप या अर्थ कभी होने नहीं दूंगा। देवयानी बोली, यदि तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं शाप दे दूंगी, तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाएगी। बोले, शाप दे दो, विद्या जाए भाड़ में, लेकिन हम वेद के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। देवयानी बोली, जो विद्या तुमने सीखी है वो निष्फल रहेगी। कच्छ बोले, मेरे लिए निष्फल रहेगी, मैं किसी को सिखा दूंगा उसके काम आएगी, लेकिन मैं भी साथ देता हूं तुम्हें, दुनिया का कोई भी ब्राह्मण बालक तेरे संग शादी ही नहीं करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आज देवयानी याद दिलाती हैं
किन ब्राह्मणो में भविता हस्तग्राहो महाभुज कचर्षमारस्पत्यस्य शापात यमशपम पुरा। दुनिया का कोई भी ब्राह्मण बालक तुम्हारे संग शादी नहीं करेगा, ये शाप लगा है मुझे, इसलिए मेरी शादी तो राजा से ही होगी। राजा ने गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। देवयानी ने आपके पिताजी से कहा, आपके आपके राजा की बेटी मुझे कुएं में डाल के चली आई थी। शुक्राचार्य नाराज हो गए, हमारी बेटी का अपमान किया, इस राज्य में हम नहीं रहेंगे। और दोनों निकल के जाने लगे तो राजा ने प्रणाम करके कहा, जो दंड देना है मुझे दे दो, पर आप जाओ मत महाराज। भैया हमको प्रसन्न करना है, तुम्हारी पुत्री को प्रसन्न करो। तो राजा ने कहा, जो भी तुम दंड दो मेरी बेटी को दे दो। देवयानी बोली, तुम्हारी बेटी को मेरी दासी बना के ससुराल भेजो। दासी बनकर के शर्मिष्ठा ससुराल चली गई, पर राजा मन को काबू न कर सके। राजा जानते कि मेरी पत्नी ब्राह्मण की पुत्री है, पर मेरी पत्नी क्षत्रिय राजकुमारी है। तो राजा ने उस दासी को भी पत्नी बना लिया। और यदुं च थुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत द्रोह्युं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वर्ष पर्वणि। द्रोह्यु अनुपुरु तीन बेटा हुए, शर्मिष्ठा को, दो देवयानी को। इन पुरु के वंश में आगे दुष्यंत हुए आदि आदि राजा। शुक्राचार्य ने श्राप दिया तो राजा ने अपने बेटे की व्यवस्था लेके कामोपभोग किया। फिर छोटे बेटा पुरु को राज्य देखकर के चले गए। तो राजा जजाति के बेटे जो यदु हुए, 25 पीढ़ी बीत जाने के बाद यदु के वंश में एक राजा हुए देवमीठ। और देवमीठ की दो पत्नी है, एक पत्नी का बेटा हुआ सूरसेन, दूसरी पत्नी के बेटे हुए अर्जन्य और परजन्य। सूरसेन का बेटा हुआ बसदेव और अर्जन्य परजन्य के 9 पुत्र हुए। 9 नंद बोलते हैं, नंद बाबा, ये 9 पुत्र हैं। बसदेव जी के 7 पत्नियां हैं, के पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देव की प्रमुखासन पत्निया आनक दंदु भे। तो और भी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देव की 7 पत्नियां बसदेव की, पर पुत्र नहीं है। और जो पुत्र हुए सब दुष्ट कंस ने मार दिए। देवकी के, देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया और 6 दुष्ट कंस ने मार दिए। देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक आया वो बलराम है। और माता रोहिणी ने भी बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम भी बलराम है। 8वीं संतान के रूप में माँ देवकी के घर श्री कृष्ण पधारे, मेरे गोविंद पधारे, परमात्मा आए। मथुरा में अवतार लिया, गोकुल में पालना झूले, वृंदावन में सुमधुर सुललित लीला करी। मथुरा में आकर के दुष्ट कंस आदि का उद्धार किया। फिर दौड़कर द्वारिका गए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया परीक्षित, और प्राच्योद्धवाय च परम समगा स्वधाम। अंत में उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश करने के बाद भगवान अपने धाम को चले। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा कह दी। राजा परीक्षित के मन में तो बड़ा विचार हो गया कि कथे तो वंश विस्तारो भवता सोम सुर्जयो राज्ञां चो भय वंशानां चरितं परमद्भुतम्। आपने चंद्रवंश सूर्य वंश कहा मुझे अच्छा लगा, पर कृष्ण कथा इतनी संक्षिप्त क्यों कर दी, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। आपने रोहिणी का बेटा भी बलराम कहा, यशो देवकी का बेटा भी बलराम कहा। एक व्यक्ति बिना 2 बार जन्म लिए 2 माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है? कैसे अवतार लिया, कैसे प्रभु पधारे,
क्योंकि मेरे बाबा और मुझ हम सबसे बड़ा संबंध है कृष्ण का, उनकी कथा तो मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं कि गोविंद की कृपा से ही तो मैं सुरक्षित हूं, गोविंद की करुणा दृष्टि से ही तो आज हम आनंद में है महाराज। उनकी कथा में संक्षिप्त नहीं सुन सकता, मैं तो जरा विस्तार से सुनना चाहता हूं। ये सुनकर के सुखदेव जी गदगद हो गए, बोले चार दिन से कथा सुन रहे हो तुम, अभी तक आसन भी नहीं बदला, कुछ खाया नहीं। बोले आपके मुख से अमृत बरस रहा है ना कथा का, वो पी रहा हूं, पर किसी को भूख क्यों लगेगी। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, 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 तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, तो कहूँ Yeah, but... and so I'm sorry, I'm sorry.
से जोड़ा और पृथ्वी से कहा बेटी तू चिंता मत करे, हम अपने मन में सोचते हैं ना उसके पहले भगवान को पता चल जाती है। भगवान से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वो उसको मालूम है। फिर सुख संपत्ति घर आने कष्ट मिटे तनका कहने की जरूरत क्या है, वो तो ऑटोमेटिक होने वाला है। गिरम समाधो गगने समीरिताम निशम्य वेधास्ते दशानुवाच गां पौरुषिन्मे सनुतामरा पुनर विधीयतामासु तथैव माचिरम। भगवान ने मेरे हृदय रूपी आकाश में आकाशवाणी करके कह दिया है कि वसुदेव देवकी के घर भगवान मथुरा में जन्म लेंगे और उनकी भगवती माया यशोदा की बेटी बन के आएगी और हम लोग भी सब भगवान के वंश में पुत्र पौत्र प्रपौत्र नाती पोता दरवान बन के आएंगे। ब्रह्मा ने सबको विदा कर दिया। इधर मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, बगल के राजा हैं सूरसेन,
और सूरसेन के घर अभी वसुदेव ने जन्म लिया, उग्रसेन के बेटा नहीं है। यज्ञ की पत्नी गर्भवती हो गई, गर्भ के बच्चे पर एक राक्षस द्रुमिल की छाया पड़ गई, कंस पैदा हुआ, यमुना में प्रवाहित कर दिया। सूरसेन ने बच्चे को पाला घर लाकर के, और बड़े होने पर पता चला कि मुझे ब्राह्मणों ने यमुना में फेंकवा दिया था। कंस चला गया हिमालय पर, भगवान शिव की तपस्या करके वरदान प्राप्त करके लौटा, मथुरा पे चढ़ाई कर दी। पिता ने कहा तू कंस है, मेरा बेटा है, मुझे पता चल गई, पर तूने ब्राह्मणों का अपमान किया, चलो माफी मांग। उसने पकड़ करके पिताजी को जेल में डाल दिया। उनके छोटे भाई देवक महाराज हैं, देवक की 7 बेटी हैं, जिसमें सबसे छोटी देवकी है। अपनी 6 बेटियों की शादी कर दी थी उसने वसुदेव जी से, देवकी बाकी है। अब चाचा जी और पिताजी दोनों कंस ने जेल में डाल दिए, तो मन में सोचा बहन का विवाह भी कर दे। और उसने 7वीं पत्नी के रूप में देवकी की शादी भी वसुदेव से कर दी। प्राचीन भारत में विशेषकर राज घरानों में बहुपत्नी प्रचलन था। हजारों हाथी, हजारों घोड़े, हजारों सैनिक, हजारों दास दासियां, बैलगाड़ियों में भर भर के सोना चांदी हीरा जवाहरात दिए। और जब अपनी बहन को विदा करने जा रहा है, कंस स्वयं ड्राइव कर रहा है, तब पति प्रग्रहिणं कंसं आभास्याः शरीरवान् अस्यास्त्वाम् अष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुध। यहाँ की कथा में अभी कृष्ण चरित्र विस्तार से कहना था, जिसमें रास पंचाध्यायी भी कहनी है, इसलिए मैंने और सब कथाएं संक्षिप्त करी। आज थोड़ा जन्म लाला का हो जाए धूमधाम से, फिर लाला रास रचाएंगे हम लोग, रास पंचाध्यायी गोपी गीत सब श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पर अनुष्ठान की पद्धति में जन्म महोत्सव आवश्यक माना गया है। देवताओं ने कहा कंस जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहा है, तो इस देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो। देवकी के सिर के केश पकड़ कर के कंस ने नीचे खींचा, मेरे काल को जन्म देगी देवकी, और काल को जन्म देने वाली को अपन जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो काल पैदा कहां से होगा, ये संकल्प ले लिए। वसुदेव जी ने बड़ी मिन्नतें करके बड़े बड़े उदाहरण देकर समझाया कि मौत से भी क्या डरना, मृत्यु जन्म भतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द सतां तेरव मृत्यु वै प्राणिनां ध्रुव। भैया मौत से कभी कोई नहीं बच सकता, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्म जिसने लिया है उसको मरना पड़ता है, और जो मर गया वो कभी जन्म भी ले सकता है। जन्म मृत्यु को क्या याद करना है, याद तो लोगों को चरित्र किया जाता है। बड़ा वीर बनता था, बड़ा पराक्रमी बनता था, बहन को तलवार से मार दिया। देवकी से तुझे कोई भय नहीं है कंस, देवकी के पुत्रों से भय है ना, तो जो भी बालक इसके उधर से जन्म लेंगे मैं तुमको दे दूंगा, मार देना, पर देवकी को छोड़ो। वसुदेव देवकी दोनों को जेल में डाल दिया कंस ने। 5 पत्नी ससुर जी के संरक्षण में है, उनकी वात्सल्य की छत्र छाया में। बड़ी पत्नी रोहिणी गोकुल में यशोदा के पास है, और देवकी तो वसुदेव जी के संग जेल में बंद है। प्रथम पुत्र को जन्म दिया, मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा मार दिया, 7वां बालक बलराम है सज्जनों।
और बलराम देवकी के गर्भ से हटा करके योग माया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिए। कंस को पता चला सातमा तो नष्ट हो गया, प्रेम से गाओ जय श्री कृष्ण। माता देवकी के गर्भ में आठवां बालक जो आ रहा है वो कृष्ण है। किसा देवकी सर्व जग निवास निवास भूतां नितरं नरेजे। माता देवकी इतनी सुंदर पहले कभी नहीं लगती थी जितनी आजकल लगती है। क्यों? क्योंकि आजकल उनके उदर में जो गोविंद पधारे हैं, परमात्मा परब्रह्म आए हैं, उनका तेज है। कंस ने भी देखा कि आजकल देवकी बहन बड़ी सुंदर लगती है। धीरे धीरे समय पड़ रहा है, देवताओं को पता चला कि परमात्मा उदर में आए हैं। भगवान अजन्मा होकर भी जन्म ले सकते हैं, उदर में आकर भी भगवान हो सकते हैं। सब देवों ने गर्भगत भगवान नारायण की स्तुति गाई। चलो प्रेम से स्तुति गाए हम लोग। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण
सत्य परम च सत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई। हे सत्यव्रत, हे त्रिकाला वादित सत्य, हे परापर सत्य, हे अनिर्वचनीय सत्य, हे त्रिगुणातीत सत्य, हे सत्यव्रत, हे परम सत्य, हे सत्य नारायण, आपको हम प्रणाम करते हैं। अब सत्य सत्य की झड़ी क्यों लगाई कि आप सत्यवादी हैं महाराज? कहीं इसको अपना मामा समझ के छोड़ दिया तो हमारी छुट्टी कर देगा, इसलिए सत्य की याद दिला रहे हैं आपको। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, भादों का महीना, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार और रात के ठीक 12 बजे। वैसे हमारे ब्रज में तो जन्माष्टमी के 8-10 दिन बाद तक जन्माष्टमी मनती रहती है। आज इस मंदिर में, कल उस मंदिर में, कल उस मंदिर में, तो आज अष्टमी नहीं तो क्या है? बुधवार तो है ही। बोलो जय श्री कृष्ण। हमें बुधवार मिल गए। भगवान देव की वसुदेव दोनों के यहाँ प्रकट हो गए। कंस भी सो रहा है, दैत्य सो रहे हैं, सब सेनापति सो रहे हैं, दरबान सो रहे हैं, मंत्री महामंत्री अनुमंत्री उपमंत्री सब सो रहे हैं, केवल कंस कैसे पूरी नगरी में चंद्रमा जगा है केवल, या चंद्र परमात्मा कृष्ण जगे हैं। भगवान का अवतार हुआ। देवकी वसुदेव दोनों ने प्रभु की स्तुति गाई, बड़ा सुंदर वंदन किया। तमद्भुतम बालकमम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंखगदद्युदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मणम
घनशोभ कौस्तुभम पीतांबरम शांद्रपयोद सौभगम। दूसरा खाता एक दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा
एक बेटी एक बेटा, बेटा जो है वह है गोलोक बिहारी कृष्ण और बेटी है योग माया, और सन्नाटा छाया, सब लोग सो रहे हैं। वसुदेव ने अपने बेटे को सुलाना चाहा बगल में, तो वसुदेव नंदन कृष्ण, नंदनंदन कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गए, और उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी झटपट मथुरा में आए। और यहां आते ही हथकड़ी बेड़ियां लग गई, ताले लग गए, दरबान लग गए, विरोधी उठ गए। जीव जब भगवान का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। जब कृष्ण को लेके जा रहे थे तो बंधन खुल गए थे सब, और विरोधी सब सो गए थे, लेकिन कन्हैया को छोड़कर योग माया को लेके आए तो फिर बंध गए, क्योंकि दैवी के गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। ये माया बड़ी गुणमयी है, जो मेरे प्रपद्यमान होते हैं वो इस माया से पार पा सकते हैं। कंस दौड़ा, नींद खुल गई, पकड़ो 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 पकड़ो। देवकी ने कहा, मेरे सब बच्चे तुमने मार दिए, इसको छोड़ दो, इसके सहारे जिंदगी जी लूंगी, बेटी है। कंस ने कहा, ये बेटा होना तो बेटिया जाओगे। सैनिक ने कहा, इसको बेटी समझकर छोड़ दिया तो बेटी का जो बेटा होगा वो तुम्हें मारेगा। कंस ने पत्थर पर उस कन्या को पटका, वो तो हाथ से छूट गई और माथे में लात मारकर आकाश में उड़ गई। किम मया हत्या मंदह जातक खनुतवान तकृति यत्र कवा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान व्रता। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बच्चों को मारने से तुम्हें क्या मिला? वास्तव में तेरा शत्रु जो कृष्ण है, उसने तो ब्रज में कहीं जन्म ले लिया। कंस ने कहा, माता जी जरा एड्रेस बताती जाओ। अष्टभुजी देवी बन गई, बोले यत्र कोबा 84 कोस के ब्रज में जन्म लिया है, कहां लिया ये नहीं बताऊंगी। देव की वसुदेव को कंस ने छोड़ दिया और बोले, मुझे माफ कर दो, आप लोग मेरे संग गोकुल में चलो, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, थोड़ी ब्रजभाषा भी आ जाएगी अब बीच में। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, उनकी उम्र है 75 वर्ष की। नंद बाबा की पत्नी यशोदा की उम्र है 80 वर्ष की। पहले ऐसे ही होता था, बाय डेटा नहीं छपते थे। बड़ी बहु बड़े भाग, 2-4 साल बड़ी भी हो तो चलता था। कई जगह ऐसा हो जाता है, पत्नी पतिदेव से बड़ी हो जाती है। बेटा नहीं, ब्राह्मणों को बुलाकर के अनुष्ठान किया तो सबको ऐसे लगवे लगो कि बेटा होगा। अब ब्राह्मण भी बेचारे सीधे साधे ब्रजवासी, बाबा हम मंत्र पढ़ेंगे तुम्हारे बेटा होगा। और ब्राह्मण मंत्र क्या पढ़ रहे हैं मालूम है? दाल चूरमा बनाया है और चूरमा परोस रहे हैं। एक दूसरे को चूरमा परोसते हुए बोले, ले भैया बाबा कुछ छोरा दे, ले भैया बाबा कुछ छोरा दे, ले भैया बाबा। एक ब्रजवासी बोले, ये कोई मंत्र है बाबा? बाबा बोले, मेरा तो यही मंत्र फलीभूत होगा। ब्राह्मण हृदय से कुछ भी कहते हैं वो पूर्ण होना है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब सबको लगवे लगो कि लाला होएगो। नंद बाबा की दो बहने, एक नंदा एक सुनंदा, दोनों आ गई, और दोनों आकर के नंदरानी की पूजा करती हैं निष्ठा से। आज सुनंदा ने नंदरानी के बगल में सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में नन्हे से बच्चे को देखा, और जैसे पलना से चदरिया हटा करके देखा, बोले कृष्ण कन्हैया, खुशी के मारे नाचने लगी, लाला है गयो, लाला है गयो, लाला है गयो। नंद बाबा को सूचना दी, बाबा ने यमुना में जाकर डुबकी लगाई, 108। ब्रज के गोपियों को पता चली कि नंद लाला के हुआ है गोविंद। बाचयित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्य वै
कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति दर्शन किया, आनंद मनाया, जात कर्म संस्कार हुआ, माताओं को पता चला 84 गज के लहंगा पहन के आए। हाँ, ब्रजवासियों ने पीली पगड़ी बांधी, हीरे जवाहरात सब लुटाने आरंभ कर दिया। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, कृष्ण के जन्म की खुशी में पूरा ब्रजमंडल मिठाई बन गया। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुंजिया से गीत और गूंजा से बाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस की रसी रोहिणी रूप रसाला, कि नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। और सब गाने लग गए भाव से, कन्हैया झूले पहले न निक होले जोटा जो, कन्हैया झूले पहले न निक होले जोटा की जो, जोटा की जो निक भी है जोटा की जो, लंगर आज भी है। फिर ताली का करंट खत्म क्यों हो गया? जरा भाव से गाओ, ऐसे बोलते हैं क्या? मथुरा में यानी जन्म खुशी में एक 95 की माता जी ने भी 80 वर्ष पहले शादी की साड़ी का जोड़ा निकाला।
हम भी सज के जाएंगे। ऐसा श्रृंगार किया खुशी खुशी में, मुंह में दांत नहीं है, दिखता कम है, ओठों में लगाने वाली चीज आंखों में लगा ली, आंखों वाली वस्तु ओठों में लगा ली, सज के आ रही हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रजवासी सब गा रहे हैं, उछल कूद करके गा रहे हैं कि भूल गए गोपी ग्रह गोपिका न भूल गए, तुलसी हुलसी मचाई कथ प्रेम सर साई में, दूध दही गत कीच मची गैलन में, कीचन दे सवे पगे आनंद बधाई में, कि छोटी सुट छोटी कछोटी कर मोटी भई, फैल गई तोंद बड़े मोद की अलाई में, राधी दिल मोहन विनोद में भी हसनंद, आज नाचे आनंद सो कन्हाई की बधाई में। बधाई में सब गा रहे, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, 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 ब्रज राज के कुल का उजाला हुआ, ब्रज राज के कुल का उजाला हुआ, सखी ब्रज के सब खुशहाल, सखी भज के सब बाल हो के दिल में खुशहाल, मैया गर्दन में डाल नाच दे दे करताल, मैया गर्दन में डाल नाच दे दे करताल, आज नंद पान सेवा उजाला हुआ, आज नंद पान सेवा उजाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
कही कहां भयो है एक ब्रजवासी के माखन का गोला उसके मुंह में गौके सपाक से पेट में चला। पहले तो मुंह चाटो फिर बोली कहां भयो ब्रजवासी बोले अम्मा भयो का नंद के लाला भयो है जय कन्हैया लाल Oh, yeah.
आरती बालकृष्ण की आज हो।
Thank you.